नमस्कार, मैं हूं वसीम अकरम। सीआईबी इंडिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। पेश करते हैं आज के बुलेटिन में देश और दुनिया की तमाम खबरें। 1993 मुंबई में हुए सीरियल बम ब्लास्ट के मामले में मुख्य आरोपी कदीर को यूपी एटीएस ने घर से गिरफ्तार कर लिया है। 12 मार्च 1993 में हुई यह वारदात इतना दिल दहला देने वाली थी कि उसको आज भी भुला पाना बहुत मुश्किल है। यह घटना भारतीय इतिहास में सबसे विनाशकारी बम विस्फोट घटना थी। इस बम विस्फोट में 257 लोगों की मौत हुई थी और 717 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। यूपी एटीएस आईजी असीम अरुण के मुताबिक 1993 मुंबई ब्लास्ट के लिए टाइगर्स मेमन द्वारा सप्लाई किए गए हथियार और विस्फोटक सामग्री जामनगर गुजरात में उतरती थी। उसमें कदीर का भी बहुत बड़ा रोल था। फिलहाल यूपी एटीएस और गुजरात पुलिस कदीर से पूछताछ कर रही है। वहीं इसके बाद बिजनौर में न्यायालय में ट्रांजिट रिमांड लेने के बाद कदीर को गुजरात ले आया गया। कदीर को उसके आवास यानी बिजनौर में थाना नजीबाबाद के ग्राम कलहड़ी से गिरफ्तार किया गया है। ये थाना नजीबाबाद पे कल 2 दिन पहले हमारे एटीएस की स्पीड जो टीम थी गुजरात एटीएस और यूपी एटीएस उनकी टीम के द्वारा संपर्क किया गया, तो ये बताया गया कि उनका एक 22 साल से वांछित एक अपराधी है जो 1993 का मामला मुकदमा थाना जामनगर सेकेंड गुजरात में लिखा गया था, उसका एक वांछित इनका अभी तक फरार है। पहले भी 2-3 बार इनकी टीम आ चुकी थी, इनको सफलता नहीं मिली, इसलिए इस बार इस काम को बहुत ही गोपनीय तरीके से अंजाम दिया गया। थाना नजीबाबाद में एसएचओ साहब को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई, उनको कुछ डायरेक्शन दिए गए और आज ये व्यक्ति कदीर अहमद पुत्र अमीर अहमद थाना निवासी कलहड़ी गाँव कलहड़ी थाना नजीबाबाद से गिरफ्तार हुआ है। इनके खिलाफ 93 में थाना जामनगर में मुकदमा लिखा गया था और ये 93 मुंबई ब्लास्ट से संबंधित है, जिसमें दाऊद ने अपने व्यक्ति टाइगर मेमन के माध्यम से कुछ हथियार यहाँ भेजे थे इंडिया में और उन असाइनमेंट में से कुछ हथियार यहाँ पे भी पकड़े गए थे। इन्हीं में से ये कदीर जो यहाँ पे वांछित थे इनके ऊपर थाना जामनगर का के कोर्ट के द्वारा सेकेंड डिवीज़न के द्वारा एक अरेस्ट वारंट इनके नाम पर इशू किया गया था 1995 में और 22 साल बाद इस अरेस्ट वारंट को तामील किया जा सका, इसकी पूर्ति की जा सकी। इसमें इनके खिलाफ धारा 120B, 121 और 121C के तहत और विस्फोटक अधिनियम है और तीसरा टाटा अधिनियम जो इनके खिलाफ लिखा हुआ है 3/4/5/6 टाटा अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत है। इन्हें एसएचओ नजीबाबाद की टीम के सफल मार्गदर्शन में इसको गिरफ्तार किया जा सका और इसके लिए उनकी टीम को 5,000 रुपये पुरस्कार की घोषणा की गई। इनके पास से उस समय जो अपुष्ट अभी खबरें आई हैं उनके अनुसार करीब 3 AK-47 और बाद में 2 AK-47 और गिरफ्तार हुई, इनको कन्फर्म करना अभी बाकी है। बाकी डिटेल्स मैं आपको अगली प्रेस ब्रीफिंग में दे दूँगा।